नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई माइनस टू जे दैट हैज मैग्नीट्यूड 7। मतलब आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि एक ए वेक्टर है, एक ए वेक्टर है जिसकी इक्वेशन है आई टू जे, ठीक है। तो इस वेक्टर के अलोंग इसकी डायरेक्शन में आपको एक 7 यूनिट का वेक्टर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले गिवन क्या है, वेक्टर आई माइनस टू जे, इसका आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करोगे, डेट इज ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4, डेट इज रूट ऑफ 5। तो यूनिट वेक्टर बनेगा इसका आई माइनस टू जे डिवाइड बाय रूट 5, यूनिट वेक्टर आएगा इसका 1 बाय रूट 5 माइनस 2 बाय रूट 5 जे। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इसकी डायरेक्शन में होगा और उसकी लेंथ कितनी होगी, 7 यूनिट। सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, ए का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, मतलब है कि हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड किया जिसकी लेंथ 1 है जो कि ए की डायरेक्शन में है। हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट किया जिसकी लेंथ 1 है, यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ क्या होगी, 1 है, ठीक है। वो बना 1 बाय रूट 5 आई कैप माइनस 2 बाय रूट 5 जे कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 है और ए की डायरेक्शन में है, क्योंकि ए का यूनिट वेक्टर है। हमें निकालना है 7 का यूनिट, 7 उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मतलब अब जो बी वेक्टर है उसको क्या होगा, 7 इंटू ए कैप, 7 इंटू i/√7 √5 माइनस 2/√5 जे कैप। तो मतलब 7/√5 आई कैप माइनस 14/√5 जे कैप। ये जो वेक्टर बना है ये क्या है, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर की लेंथ 7 है और ये इन द डायरेक्शन ऑफ ए है, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी में, अगर हमें ऐसा दिया, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो और मैं एक और भी करवाता हूँ इस पर, फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए आई माइनस टू जे प्लस के उस मैग्नीट्यूड 5। तो सिंपल, फिर से क्या करोगे आप वेक्टर लोगे आई माइनस टू जे प्लस के, ठीक है, इसका निकालोगे यूनिट वेक्टर, दैट इज वेक्टर डिवाइडेड मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड मैग्नीट्यूड आई माइनस टू जे प्लस के। पहले तो मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 6। तो ये बनेगा आई माइनस टू जे प्लस के डिवाइड बाय रूट 6, यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1 बाय रूट 6 आई कैप माइनस 2 बाय रूट 6 जे कैप प्लस 1 बाय रूट 6 के कैप। अब आपको लगा लिया लेंथ जिसकी लेंथ 5 हो, तो बी वेक्टर बनेगा 5 इंटू ए कैप, 5 इंटू 1 बाय रूट 6 आई माइनस 2 बाय रूट 6 जे कैप प्लस 1 बाय रूट 6 के कैप। इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को, 5 बाय 4 6, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। पहले क्वेश्चन में आपको एक वेक्टर दे रखा था, उसके डायरेक्शन में एक वेक्टर और निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 7 था या 5 था। तो इस क्वेश्चन में आपको एक वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दिस वेक्टर्स। पहले तो दोनों का सम निकालना पड़ेगा,
एक सी वेक्टर होगा जिसका जो कि इन दोनों का सम लेगा ए प्लस बी। तो सी वेक्टर आपके पास क्या आएगा, 3i-4j प्लस के, 2i+4j-6k, आई कंपोनेंट आई के साथ 3+2, 5i-4-4, 0, 1+-6-5k। तो सी वेक्टर क्या है आपके पास, 5i-5k क्या। तो क्वेश्चन था कि आपको एक वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन इन दोनों के सम के अकॉर्डिंग है। सम तो आपने निकाल लिया, अब इसका निकालना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, जैसे इसको भी उसका हमें निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। सी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, सी वेक्टर डिवाइड बाय सी मॉड वैल्यू निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या है मैग्नीट्यूड, 5+2 + -5+2, दैट इज 25+25, 2√5 आता है, 5√2 आता है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो अब बनेगा इसका 5i/5√2 - 5k, 5/5√2i - 5/5√2j, ठीक है, ये बना आपके पास। अब इसके हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स, हमने निकाल दिया इसको, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर निकाल दिया जो कि इसकी डायरेक्शन में 1/√2i-1/√2k। अब अगर हमें दे दिया हूज मैग्नीट्यूड इज 6, जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, तो आप क्या करोगे आगे, अब आगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वेक्टर 6 × c क्या है, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसका मैग्नीट्यूड 6 है, ठीक है, ये था, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6√2i-6/2, ठीक है, अगर उसका मैग्नीट्यूड 6 है, अगर यूनिट है तो 1 रहेगा, ठीक है, इसे हम ऐसा निकालेंगे। राइट ऑन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियोस मैंने पहले बताया था कि डायरेक्शन रेशियोस जो होती हैं वो सीधी ही एक्स वाई जेड होती है, तो इसमें एक्स क्या होगा, एक्स 2 है, वाई क्या है, 1 है, जे कितना है, जेड कितना है, जेड आपके पास -1 है, ठीक है ना, ये एक्स आई प्लस वाई जे माइनस प्लस जेड के, तो एक्स वाई जेड सीधे क्या होती है, डायरेक्शन रेशियोस। तो डी आर क्या होंगे, इसकी डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगे, ए बी सी होती है, तो क्या आ रही है इस केस में, 2, 1, -1, ठीक है। और इसको मैं डेफिनेशन से समझाता हूं क्या कैसे बनता है, अभी हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस है एल, एल को होता है एक्स बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होता है एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या आएगा इसका, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4+1+1, दैट इज रूट 6। तो एल बन जाएगा एक्स 2 है, 2/√6, एम कितना आएगा, 1/√6, बिकॉज इट इज वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 2/√6, और एन क्या आएगा, z/√ ऑफ a, 2/√-1/√6, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आए हैं, डीसीस क्या आए हैं, उसके डीसीस आया आपके एल एम एन, वो कितना आया, वो आपके पास आया 2/√6, 2/√6, 1/√6 एंड -1/√6, ठीक है, डीसी से आया और डायरेक्शन रेशियोस सीधी ही क्या होती है, एक्स वाई जेड। लेकिन एक बात है समझने वाली,
डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है कि रेशोस जो कि ए बी सी मिलके एक्स ट्रैक्शन कोसाइन के साथ मिलके बनाती है और एक कांस्टेंट रेशियो जनरेट करती है। मेरा कहने का मतलब है डेफिनेशन में हमने ये देखा था ए बाई एल बी बाई एम और सी बाई एन कुछ कांस्टेंट आता है, कुछ के कांस्टेंट आता है, कुछ मतलब से मान लो कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल आता है, तभी तो उसे हम डेफिनेशन में बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन से मिलके एक कांस्टेंट जनरेट करते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो पा रहा कि नहीं हो रहा, चेक करेंगे इसको। आपके पास ए कितना आया था, ए आपके पास आया था 2 और एल कितना आया था, एल आया था 2 बाई रूट 6। अगर इसे सॉल्व करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पहले ये बनेगा ए बाई एल इस तरह से बनेगा, फिर दूसरा बी बाई एम क्या बनेगा, बी कितना आया था बस 1 और एम कितना आया, एम कितना था आपके पास 1 बाई रूट 6, रूट 6 ऊपर चला जाएगा न्यूमेरेटर में, इसकी वैल्यू कितना है रूट 6, इसकी रूट 6 है। और सी बाई एन, सी बाई एन कितना आया, सी कितना आपका -1 और एन कितना आया था -1 बाई रूट 6, -1 कितना जाएगा ये रूट 6। तो आपने देखा तीनों केसेस में ए बाई एल, ए बाई एल, बी बाई एम और सी बाई एन किसके बराबर आए हैं, रूट 6 के, इनकी रेशियो सेम आई है। बाय द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, वो डेफिनेशन रेशियोज ये कहती है कि तीन ट्रिपलेट्स होते हैं ए बी सी जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ मिलके एक कांस्टेंट रेशियो जनरेट करते हैं। तो ए बी सी जो होते हैं वो सीधे एक्स वाई जेड ले लेते हैं और डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन के फार्मूला से हमने निकाला उसको, एक्स बाय मैग्नेट ऑफ द वेक्टर और वाई बाय मैग्नेट ऑफ वेक्टर, जेड बाय मैग्नेट ऑफ वेक्टर। जब हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाले उनके रेशियो देखे की तो रेशियो क्या आई 2:6, तो वो एक कांस्टेंट जनरेट हुई। हमें इक्वेशन नंबर आपके पास फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू, मतलब आपके एक पॉइंट दे रखा है पी और एक जगह क्यू, पी और क्यू पॉइंट दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट क्या हैं, पी के 2, 1, 6 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, 5, ठीक है। और ये पी से डायरेक्ट कर रहा है क्यू की तरफ। अब आपको एक वेक्टर निकालना है, आप निकाल सकते हो इस वेक्टर, तो पी से चला क्यू तक तो क्या बनेगा इसका, पी से क्यू की तरफ तो क्या बनेगा, पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर क्या होगा आपके पास 3, फाइनल पोजीशन क्या है 3 और इनिशियल 2, 3 - 2 आए, फिर फाइनल 4 वाई की और 4 - 1 जे कैप और फाइनल 5 और इनिशियल 6, 5 - 6 ए कैप। मतलब हम इसे ऐसे लिखते हैं x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के क्या फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना बनता है ये 1i प्लस 3j प्लस 1 k, पी क्यू वेक्टर आपके पास ये देखा, ठीक है। हेलो गाइस, अभी हम सेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे वेक्टर अलजेब्रा में, आपने 10th में भी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये हम अभी वेक्टर में देखेंगे कैसा चलता है और कैसा फॉर्मूला बनता है। आपके पास एक ओ इनिशियल पॉइंट है, ओ से 2 वेक्टर आ रहे हैं इनिशियल, ओ से ए की तरफ, ओ ए, ओ से बी की तरफ, और इसे ज्वाइन कर रहे हैं इस तरह से बी टू ए, बी टू, ठीक है। इसे ए वेक्टर ले लेते हैं, इसे बी वेक्टर, ठीक है। और हमारे पास ओ से कैसा वेक्टर आ रहा है, आर, आर वेक्टर ऐसा आ रहा है जो इसे एम रेशो एन में काट रहा है, एम रेशो एन में काट रहा है। तो ओ ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर के, ओ बी वेक्टर किसके बराबर है, बी के, और ओ पी वेक्टर किसके बराबर है, आर वेक्टर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ पी ए वेक्टर एम है और बी पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है एन। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला इंटरनली की बात कर रहा हूँ, इंटरनली काट रहा है,
ठीक है, तो इंटरवल की बात करूंगा तो आर वेक्टर जो है, जो काट रहा है इसको, आर वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर, वो क्या होगा, एम मैग्नीट्यूड है इसका, एम लेंथ है, एम इंटू बी, एम इंटू बी, और यहां पे दू है एन, एन इंटू ए, एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली देखेंगे, ओ पॉइंट से ए की तरफ ए वेक्टर, ओ पॉइंट से बी की तरफ बी वेक्टर, और बी से ए की तरफ वेक्टर हो बी, और एक्सटर्नली एक आर वेक्टर आ रहा है जो कि बी ए को पी पे काट, ठीक है। आपके पास ओ बी वेक्टर जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है बाय ए वेक्टर, और एक्सटर्नल भी काट रहा है जो ओ पी वेक्टर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो सेक्शन फार्मूला में ये कहा जा रहा है कि आपके पास ये जो लेंथ है पी बी पी, मतलब बी पी मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, एम है, और ये एक्सटर्नल जो है ये एन है, मतलब एपी वेक्टर जो है, डायरेक्शन तो सेम होगी, एपी वेक्टर जो है कितना एन, ठीक है। तो क्या सेक्शन फॉर्मूला बनेगा, क्या आर आएगा जो एक्सटर्नल वेक्टर है, आर वेक्टर कितना आएगा, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एम एम इंटू ए माइनस एन इंटू बी डिवाइड बाय एम माइनस एन, मतलब एम जो बी से लेके पी तक था मैग्नीट्यूड, एम इंटू ए वेक्टर माइनस एन इंटू बी वेक्टर, एम माइनस एन, ये फॉर्मूला है हमें एक्सटर्नली फाइंड आउट करने का वेक्टर का, सेक्शन डिवाइड कर रहा है उसे। हम इसके ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे, होप कि इससे आपको ज्यादा समझ आएगी। Find out a vector which divides a given two vectors internally by ratio 2. Vectors are vectors are 3i plus j minus k, b vector 2i minus j plus 2k, मतलब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है 3i plus j minus k, दूसरा वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 2k, जिसको एक r वेक्टर इंटरनली काट रहा है p पॉइंट पर, k रेशो 2 में। आपको फाइंड आउट करना है कि r की वेक्टर कितना होगा, बाय इंटरनल फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, r वेक्टर इज इक्वल टू 3 दूर पर 3, मतलब m, आप इसको ले सकते सीधा 3 इंटू दिस वेक्टर, दूर वाले को हम दूर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3i प्लस j माइनस k प्लस यहां पे 2 से फार कौन है, ये वाला दूर कौन है, 2 इंटू 2i माइनस j प्लस 2k डिवाइड बाय 3 प्लस
ठीक है, अगर इसे हम फार्मूला से देखें, पूरा फार्मूला से देखें, अगर पूरा फार्मूला से देखें तो हमें देखना पड़ेगा m क्या है, m क्या है, हमें 3, 3 क्या है यहाँ पे, 2 क्या है, n क्या है, तो और a वेक्टर क्या है यहाँ पे, दिस, और b वेक्टर क्या है, ठीक है, आप इसको फार्मूला से करोगे तो क्या आएगा, m इंटू ए वेक्टर प्लस n इंटू बी वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n, तो वो भी ऐसे ही बनेगा, 3 फॉर ऐसे, तो 3 का दूर वाले से, ठीक है, 3 इंटू 3i प्लस j माइनस k, और 2 प्लस 2 इंटू 2i माइनस j प्लस 2k डिवाइड बाय 3 प्लस 2, ये प्लस ये बन जाएगा 3 इंटू 9i प्लस 3j माइनस 3k प्लस 2 इंटू 4 4i माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है, 9i का i के साथ ऐड करेंगे, 9 प्लस 4 39, 3j माइनस 2j प्लस j माइनस 3 प्लस 4 प्लस k डिवाइड बाय 5, ये बनेगा आपके पास r वेक्टर, ठीक है, r वेक्टर ये जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ये जो इंटरनल जो काटेगा तो 3 जो दूर है इंटू 3 इंटू दूर वाले के समझ ले जाएंगे एडिड बाय 2 इंटू जो दूर वेक्टर है, ठीक है, काफी दूर है उसे आराम करें, ठीक है, ऐसे मंडी देगा, ठीक है, एक और करते हैं एक्सटर्नली का, इसी तरह से इधर लिख देते हैं डिवाइस द गिवन वेक्टर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का निकालते हैं, ठीक है, जो कि इसे एक्सटर्नली काट रहा है ए में, अब इसकी लेंथ कितनी है 3, और इसकी लेंथ कितनी है 2, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, तो ए वेक्टर कितना आपके पास, ए वेक्टर ले लो 2y माइनस j माइनस k, बी ले लो i प्लस j माइनस k, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ए आपके पास है 2y माइनस j माइनस, और बी वेक्टर आपके पास, बी वेक्टर आपके पास है आई प्लस जे माइनस के, तो एक्सटर्नली बाय सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली क्या बनेगा इसका, आर वेक्टर इज इक्वल टू अभी इसका 3 इंटू बी बनेगा, 3 इंटू बी वेक्टर माइनस दूर है 2, 2 काफी दूर है ए से, माइनस 2 इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाय 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, फॉर्मूला सिंपल रहता है आपके पास, एम माइनस एम ए माइनस एम बी वेक्टर डिवाइड बाय एम माइनस एन, ठीक है, तो मैं तो सीधा करता हूँ, दूर वाले दूर से माइनस करना होता है और दूर वाले दूर से, 3 इंटू ए रहेगा और 2 इंटू 2 इंटू ए रहेगा और 3 इंटू बी रहेगा, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर जनरेट होता है, तो 3 टू बी, बी कितना आपके पास, बी है आपके पास आई प्लस जे माइनस के माइनस 2 इंटू ए 2i माइनस जे माइनस के डिवाइड बाय 1, तो कितना आ जाएगा 3i प्लस 3j माइनस 3k माइनस 2 इंटू 2 4i माइनस प्लस हो जाएगा 2j प्लस 2k, अब एडिशन करेंगे i के साथ
थ्री माइनस फोर माइनस आई, थ्री जे प्लस टू फाइव जे, माइनस थ्री प्लस टू माइनस के आ रखा है। और एक